प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार फखर यूसुफजई को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और दबंग वकील नाजिया राय खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जिसमें ये दोनों बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। भारत देश की पुत्री होने के नाते जियो पॉलिटिक्स पर और एक मुसलमान होने के जी प्लीज। पहला मैं कहूंगी मुसलमान होने के नाते कि जब नवाज शरीफ अपनी नवाज शरीफ शायद गए थे ना, या शहबाज शरीफ, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। सऊदी अरेबिया शहबाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आजकल वो प्राइम मिनिस्टर है ना, शहबाज शरीफ और मरियम दोनों साथ में शायद जी बिल्कुल उमरे पे भी गए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि उमरा करने वक्त वो मिले थे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी जब किसी देश में जाती हूँ या किसी स्टेट में जाती हूँ तो रमजान के वक्त में भी मुलाकात में कर लेती हूँ, बिल्कुल पॉलिटिकल बात नहीं करती हूँ जी, पॉलिटिकल बात नहीं करती हूँ। राइट, मैं आपके घर पे इफ्तार करने आई हूँ तो हम कभी भी डिबेट पर या न्यूज पे नहीं बैठेंगे। आप मुझे अगर कहेंगे तो भी मैं वो बोलूंगी कि मैं अभी इफ्तार करने आई हूँ, तो मैं नमाज इफ्तार करूंगी, नमाज पढ़ूंगी और मैं निकल जाऊंगी, बिल्कुल ठीक। तो ये उन्होंने मुसलमान होने के नाते और इस्लाम और सुन्नत रसूल के मानने वाले होने के नाते ये उन्होंने गलत किया कि वो किसी के देश गए हैं और उमरा करने के गर्ज से गए हैं, और उन्होंने एक चिट्ठी जो है वो भेज डाली कि भाई हमारी मुलाकात होनी है, और मुलाकात की गई, लेकिन मुलाकात में किस टॉपिक पर बात होनी है ये अलहान जी को और मोहम्मद बिन सलमान जी के सरकार को भी पता नहीं थी कि वो पॉलिटिकल बात करेंगे। पर जब सामने कोई बैठता है और एक कंट्री का वजीर आजम होता है तो इतना रिस्पेक्ट उनको देना पड़ता है कि उनकी बात हो पाई। बेशक अब उस बात के कन्फ्रंटेशन में जब आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि सऊदी अरबिया देश के जो जो लोग वहां पर बैठे थे, जो मिनिस्टर्स वहां पर शहबाज शरीफ के साथ बैठे थे, उन्होंने कोई मुद्दे पर बात नहीं की। जब उन्होंने पीओके पर बात की तो उन्होंने सीधा कहा कि किसी भी थर्ड पर्सन को लाने की जरूरत नहीं है, आप दो लोग एक साथ बैठ जाएं और एक साथ टेबल टॉक कर लें। Exactly. रमजान जैसे मौके पर अरब मुझे लगता है कि सियासत तो नहीं करता है, और सियासत वाली बातों में भी उसको कोई दिलचस्पी तो नहीं मिलती है। Sorry. जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं मेरी जिंदगी अब मैं 33 साल की हो गई क्या है? तो मैं अब तक 3 बार मैं अबू धाबी और यूएई में विजिट कर चुकी हूँ, 3 बार, और मैंने एक चीज बहुत पास से देखा है कि अरब के जितने भी कायदे कानून हैं वो अल कुरान को मान करके हैं। तो वो एक महीना वो किसी कारोबार पे अपना दिमाग नहीं डालते हैं, वो सियासत पे अपना दिमाग नहीं डालते हैं, या किसी डायबॉलिक माइंड पे अपना दिमाग नहीं डालते हैं, वो सिर्फ एक ही जगह फोकस करते हैं कि अभी रमजान का महीना है और हमें ईद तक सिर्फ इसी पर फोकस करना है। तो जो उन्होंने बहुत खूबसूरत, लेकिन अरब के जो मिनिस्टर बैठे थे उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही कि किसी भी थर्ड पर्सन को लाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी इंटरफेयर करवाने की जरूरत नहीं है, आप दो लोग साथ में टेबल टॉक करो और टेबल पर बात करके इसको फिनिश करो। आपको याद होगा कि 2019 के शपथ लेने के बाद मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सभा की थी, सबसे पहली शपथ लेने के बाद सभा की थी, उस सभा में भी उन्होंने कहा था कि झगड़ा, लड़ाई, खून, जंग से बातें नहीं होती हैं, बात अल्टीमेटली टेबल पर ही होती है, हम टेबल पर बैठ करके बड़े से बड़े मसले को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप जंगे लड़ेंगे, हम ऐसे नहीं बैठे हैं, हमने दिवाली के लिए अपना अग्नि 5 और मुर्मुगांव नहीं रखा है। उसी बात पर उन्होंने उसी स्पीच पर कहा था जिस पर बहुत ज्यादा टिप्पणियां पाकिस्तान की तरफ से आई थी। तो आप जब एटमी ताकत की धमकी देते हैं तो हमारी तरफ से कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं आता है, लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने दिवाली के लिए पटाखे नहीं रखे तो आप लोग आग बगोला हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब अमेरिका आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है, जब अरब आपको यूएई पॉजिटिव साइन दे रहा है, और आपके देश के कुछ युवा और आपके देश के कुछ अवेयरनेस वाले यूट्यूबर्स भी चाहते हैं कि भारत से रिश्ता जो है वो खूबसूरत होना चाहिए, और एक पीओके की वजह से वो रिश्ता कहीं ना कहीं एक कड़वा होता चला जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस
बात को बैठ करके टेबल टॉक करके फिनिश कर ही देना चाहिए। राइट, पीओके का झमेला फिनिश कर ही देना चाहिए। ये अब हाई टाइम है, ये अब पीक टाइम है। और रही बात की हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, तो इस बार तो इतनी भारी बहुमत से आने वाले हैं कि 400 पार होने वाला है। 400 सीटें तो वो अपने मेहनत से लेकर आ रहे हैं, 11 सीटें तो हम मुसलमान बेटियों ने तय किया है कि उनको हम लोग शगुन के तौर पर देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुसलमान बेटियों का भला किया है, मुसलमान बेटियों के हित में काम किया है, मुसलमान बेटियों को अश्लीलता के नंगे बाजार से बचाया है। तो ये हमने तय किया है भारत की मुसलमान बेटियों ने कि हम 11 सीटें भारत के प्रधानमंत्री को शगुन के तौर पर देंगे, और 400 सीटें तो वो अपनी मेहनत से लेकर के आ रहे हैं। तो इतनी भारी बहुमत पे, 400 पार वाली बहुमत पर अगर कोई प्रधानमंत्री आ रहा है फिर से थर्ड टाइम बन करके, तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया में उनका उनका कद कितना बड़ा हो जाएगा। 4 जून के बाद भारत के प्रधानमंत्री से रिश्ता अगर किसी के खराब है भी तो वो भी ठीक करेंगे, वो भी चाहेंगे कि उनसे रिश्ते बेहतर हो जाएं। आप देखिए मालदीव्स ने रिश्ता खराब करने की बिल्कुल अल्टीमेटली उसको घुटने टेकने पड़े। फ्रांस अभी भी कोशिश में लगा हुआ है कि भाई मेरे रिश्ते और अच्छे हो जाएं, बेहतर हो जाएं। रेडियो को देख लीजिए, अब वो घुटने के बल चलने को तैयार हो गया है कि नहीं भाई अब हमें रिश्ता अपना खराब नहीं करना है। वो कनाडा करके वो बहुत अपने आप में कर चुका, लेकिन अब वो कनाडा बोलने को तैयार है कि नहीं भाई अब हम कनाडा नहीं बोलेंगे, हम कनाडा बोलेंगे। तो खतर मेरा और आपका ही सेशन चला था, बिल्कुल 8 हमारे पूर्व नेवी थे जिनका फांसी का फंदा तैयार कर दिया था, और देखिए सारी चीजें बेटर हो गई, बल्कि मच बेटर हो गई। फिर मुलाकात हो गई अहमद सानी और मोदी जी के आपस में, जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग G20 में हुआ था, मच बेटर हुई, जो सिर्फ बेटर थी वो मच बेटर हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द पीक टाइम, कि अगर मरियम नवाज ने इस मुद्दे को उठाया है तो उसको अगर वाकई में सुलझे हुए कुछ इंसान भी पाकिस्तान में है जो बड़े चेयरों पर बैठे हैं, उनको अब इस औरत की आवाज को आगे लेकर के आना चाहिए, टेबल टॉक करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान को भी पता है कि इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इतने वीक हो चुके हैं कि जंगे नहीं लड़ पाएंगे। पाकिस्तान की एटमी ताकत भी जो है वो कर्जे पर है, आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं जिसको आपने कर्ज में दिया है, आपके पोर्ट्स जो है सारे वो भी कर्जे पर है, तो आप बहुत सारी चीजें इस्तेमाल भी नहीं कर सकते विदाउट परमिशन जिसको आपने कर्ज में दिया हुआ है। चाइना अब आपकी तरफ से धीरे धीरे पीछे हटने को तैयार हो रहा है, अब वो भी आपसे फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है पाकिस्तान से। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे चाइना इंटरफेयर भी नहीं कर रहा है पाकिस्तान के, अगर आप जियो पॉलिटिक्स के सारे इंस्टेंट और फ्रेश पन्नों को उठा करके आप अगर आप देखें, और जिस हिसाब से चाइना इस्लाम को डेविस्टेट कर रहा है, इस्लाम को इंसल्ट कर रहा है, डिफेम कर रहा है, मलाइन कर रहा है, तो एक इस्लामिक रिपब्लिक देश पाकिस्तान होने के नाते आप लोगों पर को भी, आप लोगों के ऊपर इस्लाम की जिम्मेदारी है कि चाइना पर पॉइंट आउट करें, चाइना पर टिप्पणियां करें। हम तो भारत के पुत्र और पुत्री हैं, हम तो भारत में रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐलानिया कहती हूँ कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं चाइना के खिलाफ जरूर बात करूंगी, और बड़े प्लेटफॉर्म पर बात करूंगी कि उसने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजिशन पर क्यों डाला कि वो हमारे इस्लाम को इतना ज्यादा मलाइन कर रहा है, वो मस्जिदें तोड़ करके पेशाब खाना और हगने की जगह बना रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो अब आप सोचो, मैं भारत में रह करके भारत की सभ्यता संस्कार और कल्चर को अडेप्ट कर चुकी हूँ, मैं अपने आप को ऐलानिया बोलती हूँ कि मैं सनातनी मुस्लिम हूँ, मैं आराम से पूजा करती हूँ जाकर के, और मुझे भगवद गीता पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा भगवद गीता, मेरा भगवत श्रीमद भगवद गीता ये नहीं बताता है कि आप किसी के धर्म को मलाइन करो। आप देखो कोई भी हिंदू कभी भी किसी के धर्म को मलाइन नहीं करता है। आप देखिए हमारे भारत में कोई भी चर्च में बम नहीं फूटता है, कोई भी मस्जिदों में बम नहीं फूटता है, बिल्कुल नहीं फूटता है, ये आपके यहाँ पाकिस्तान में होता है। तो जो एक पॉजिटिव सिग्नल मरियम नवाज ने दिया है उसको इनकैश करने की जरूरत है, उनको उसको इनहांस करने की जरूरत है और उस पर वर्क करने की जरूरत। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ
जानने को मिला होगा, जहां पे नाज़िया अली खान जी ने पाकिस्तान को खरी खरी तो सुनाई, और मेरा भी यही मानना है कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो एकदम से नॉर्मलाइज नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान अपना दोगलापन छोड़ेगा नहीं, और भारत जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, भारत को पाकिस्तान की इतनी खास जरूरत है नहीं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।